सो काफ़ी सारी नाराज़गी, काफ़ी सारी शिकायतें होंगी आपको, और वो एक नाराज़गी दिखाई भी दे रही है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली, क्योंकि आप यू नो काफ़ी शिकायतें भी कर रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं. हाँ, मतलब विराट विनायक को लेकर आया था सई के पास उसका इलाज करवाने के लिए, एंड लेने आया है वापस अपने बेटे को. एंड उसमें दोनों ने एक दूसरे से बात की, मतलब सई और विराट ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि अपने अतीत को सामने नहीं लाएंगे. बट ऐसी चीज़ें अतीत में नहीं रहती, वो सामने आ ही जाती हैं, और बातों बातों में वो बात का बतंगड़ बन जाता है. बच्चे हैं इसलिए ज़ोर ज़ोर से बोल के झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन 7 या 8 साल जो गुजरे हैं उसमें इतने सारे सवाल, इतने सारे डाउट्स जो सारे थे वो कहीं ना कहीं मुंह पे आ रहे हैं सवालों के तौर पर. एंड विराट सही से पूछ रहा है, सही कायदे से कोई सवाल नहीं पूछ रहे, लेकिन बाद में उसके भी मुंह मन में रह जाती कोई बात है तो वो भी सामने कुछ सवाल पूछ लेती है, लेकिन ओवरऑल बाद में वो एक क्लैश में टर्न आउट हो जाता है. बट ऐसे में जो विनायक और सवी है उनके बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है, बट ये दोनों पेरेंट्स के इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है. हाँ, मतलब एक तो अनजान है दोनों बच्चे के, दोनों भाई बहन हैं, एंड दोनों माता पिता भी अनजान हैं कि ये दोनों ही बच्चे उन दोनों के ही हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब ये अननोन होती हैं, माँ बाप जब एक दूसरे से लड़ते हैं बच्चों के सामने तो अफेक्ट करता ही उनको, बच्चे को. तो इसीलिए गिले शिकवे है, लेकिन ज़ोर ज़ोर से ना बोलकर आपस में रख रहे हैं. लास्टली विराट से ये जानना चाहेंगे, क्योंकि पाखी भी इन सारी चीज़ों से यू नो अनजान है, लेकिन जब उसे पता चलेगा तो क्या रिएक्शन होने वाला है और आप किस तरह से डील करेंगे? वो तो जेन्युइनली मुझे नहीं पता उसका क्या रिएक्शन होने वाला है, बिकॉज आई हैव नॉट रेड द स्क्रिप्ट्स आगे की. आई थिंक दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, सो आई डोंट नो, एंड आई हैव नो आइडिया हाउ विल विराट रिएक्ट टू इट ऑफ पाखी नोइंग इट. नो आइडिया. थैंक यू सो मच. साथ नहीं थे ना, तो मैं तुम्हें घर चला गया था, तो अगर साथ होते तो तुम्हारे इलाज जल्दी शुरू होता, कल ही शुरू हो जाते. यही कह रही थी ना डॉक्टर. हाँ, मैं यही कह रही थी बेटा. सभी अभी पुलिस अंकल सभी बेटा देखो, अभी विनायक यहाँ पर है ना, और विनायक आपके साथ खेल भी रहे, मैं उनका इलाज भी कर रही हूँ, तो फिर इतनी बातों का